राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो लेके आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छे टिप्स एंड हैक है, तो जो आपके काम के लिए बिल्कुल भी कम समय में टाइम नहीं लगेगा और आपका काम बहुत ही 2 मिनट में हो जाएगा और बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो क्या है, वीडियो में बने रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को तो जरूर दबा देना, क्योंकि मेरी वीडियो जो है ना आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की मेरी टिप्स क्या है, आज की मेरी वीडियो क्या है, आइस को लेके है। क्या होता है, जब गर्मी ज्यादा पड़ने लगती है तो घमोरियां निकलना शुरू हो जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही आइस लेके फ्रिज से और अपने घमोरियों के ऊपर रगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, ऐसे डायरेक्टली बर्फ को रगड़ने से घमोरियां और भी बढ़ जाती हैं और हमारे पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। इससे यह गलत तरीका है, आप लोग कभी मत यूज करिएगा। मैं आज आपको ना बहुत अच्छी टिप्स बताऊंगी जो आपकी घमोरियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल भी फैलेंगी नहीं। ये क्या, डायरेक्टली आइस को बॉडी पे लगाने से ना घमोरियां और फैल जाते हैं, क्योंकि अक्सर गर्म रहता है और उस पर डायरेक्टली ठंडी चीजें लगा दो ना तो काफी ज्यादा घमोरियां फैलने लगती है। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे टिप्स बताऊंगी जो आपकी घमोरियां बिल्कुल भी फैलेगी नहीं और आसानी से खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, एक कॉटन का कोई भी सा कपड़ा ले लेना है और उसको ना हल्का सा गीला कर लेना है। कॉटन के कपड़े को गीला, कोई भी हैंकी हो कुछ भी हो तो उसको गीला करके आप हल्का सा गीला करिए, ज्यादा नहीं। उसके बाद में आपको सारे आइस ना इस पे डाल लेनी है, ये देखिए जितने आपके पास आइस हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद उसको आपको पकड़ के ऐसे मुट्ठी सा बना के, उसके बाद अब जब आप अपनी बॉडी पे लगाएंगे ना, जैसे आपको ज्यादा ठंडा लग रहा है तो आप इसको कई बार फोल्ड कर सकते हो, जिससे क्या होगा ना हमें नॉर्मली ठंडा लगेगा। इससे आपका बॉडी पे डायरेक्टली नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और आपकी घमोरियां ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसीलिए ये देखिए, अब जब आप ऐसे आइस को रगड़ोगे ना तो आपकी घमोरियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और बिल्कुल भी फैलेंगी नहीं। तो है ना अच्छी टिप्स, आप लोग को टिप्स मेरी कैसी लगी आप लोग भी जरूर अपना के देखिएगा और घमोरियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना। चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ, मेरी नेक्स्ट टिप्स क्या है, वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड, हमारी दूसरी टिप्स क्या है, बिंदी को लेके। हम लेडीजे सभी लोग बिंदी तो लगाते ही अक्सर, तो क्या होता है बिंदी में ना, ये जब हम बिंदी लगाते हैं तो हम ऐसे बिंदी को ना अपने माथे पे ऐसे लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, बिंदी में ना गम वगैरह होता है जिससे बहुत लोगों को सूट नहीं करता है, इचिंग वगैरह होने लगता है, तो उनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और वो अच्छे से बिंदी को लगा नहीं पाते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि मेरे इससे इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ना बहुत ही अच्छा टिप्स बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल भी इचिंग वगैरह नहीं होगी और आप अच्छे से बिंदी को यूज कर पाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक कटोरी में थोड़ा सा ना मलाई ले लेनी है, फ्रेश मलाई लोगे तो आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है रखी हुई मलाई में ना स्मेल आने लगती है। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है, जब आप लोग यूज करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि कितना अच्छा टिप्स है और बहुत ही कामगर है। तो आप लोग को क्या करना है, थोड़ी सी मलाई ले लेनी है और आपको अपने माथे पे ऐसे रब करना है अच्छे से कम 3-4 मिनट तक तो रब करना ही है आपको मलाई को लेके। उसके बाद में आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए। बहुत ही अच्छा टिप्स है, छोटा है लेकिन बहुत कामगर है, महिलाएं तो जरूर करें, जिससे बहुत लोगों को ऐसी दिक्कतें आती हैं कि वो उनको बिंदी लगाने से हीचिंग वगैरह होती है, छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं, क्योंकि बिंदी में गम तो होता ही है चिपकाने के लिए, इससे बहुत लोगों को सूट नहीं करता। तो देखिए हमने 10-5 मिनट के लिए इसको ऐसे रब कर लेना, उसके बाद में ना आपको टिश्यू पेपर लेना, टिश्यू पेपर से आपको ऐसे ऐसे हल्के से ऐसे इसको पोछना है, ज्यादा रगड़ के नहीं पोछना है, हल्के हाथों से पोछना है। उसके बाद में क्या करना है, हल्का हल्का ही पोछना, जिससे क्या होगा आपके माथे पे ना चिकनाई रह जाएगी। उसके बाद में जब आप बिंदी लगाओगे ना तो बिल्कुल भी आपको हीचिंग वगैरह नहीं होगी और आपके पिंपल्स भी नहीं आएंगे। बहुत ही अच्छा टिप्स है, आप लोग यूज करके देखना। तो आप लोग को ये टिप्स कैसी लगी, बहरहाल बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये टिप्स ना बहुत अच्छी है, बहुत लोग को बिंदी को लेके प्रॉब्लम होती ही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना और चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ, मेरी नेक्स्ट टिप्स क्या है, वीडियो में बने रहिए। जैसे अगले टिप्स में था बिंदी को इचिंग वगैरह होती है, और इसमें क्या है, जब बिंदी हम लगाते हैं ना अपने माथे पे, हमारे
पुराने जमाने में दादी नानी वगैरह सबको ही लगाते थे, तो क्या होता था उनके माथे पे ना सफेद निशान सा आ जाता था, अजीब तरह से निशान हो जाता था। तो क्या होता है वो देखने में बहुत गंदा लगता है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगी जो आप लोगों के माथों, बहुत लोगों के होता है ऐसे कि बिंदी के लगाने से ना माथे पे निशान आ जाता है, वो बहुत ही खराब लगता है। तो बहुत ही अच्छी टिप्स है, मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या करना है आपको। आप लोगों को ना थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है, उसमें थोड़ा सा, जब आप थोड़ा सा कच्चा दूध लोगे ना उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल देना है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल के उसके बाद अच्छे से ना इसको मिक्स करना है। ये देखिए इसको अच्छे से जब आप मिक्स कर लोगे ना, कच्चा दूध तो बहुत ही अच्छा होता है और जो हल्दी का काम होता है वो हमारे फेयर कलर को ना फेयर करता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा टिप्स है। तो देखिए ऐसे इसको हमको एक में मिला के उसके बाद में जहां पे हमारे बिंदी के दाग आ चुके हैं ना उस पे अच्छे से 5-6 मिनट तक ऐसे रब करना है। जब आप अच्छे से रब करोगे ना तो आपका जो बिंदी का दाग होगा ना अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि जो हल्दी हमारी है ना कलर को बहुत ही अच्छे से क्लीन करती है और जो दाग वगैरह होंगे, और बिल्कुल भी इसमें केमिकल नहीं है, अपना शुद्ध चीजें हैं, ये बहुत ही अच्छी चीजें है। उसके बाद 10-5 मिनट के रब करने के बाद में आपको ना इसको टिश्यू पेपर से या कोई या अच्छे पानी से, साफ पानी से धो लेना है इसको, ठंडे पानी से। ये देखिए कितने अच्छे से कलर आ जाता है। क्या होता है जो हल्दी हमारी है ना ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हर चीजों के लिए फायदा करती है। तो आप लोगों को ऐसे जब आप लगाओगे तो आपके जो कलर होंगे ना माथे पे, जो बिंदी के दाग होंगे वो फट से निकल जाएंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो इचिंग वगैरह होती है उसमें आप मलाई का यूज कर सकते हो, और जो बिंदी के दाग रह जाते हैं आपके माथे पे उसमें आप कच्चा दूध में हल्दी मिलाकर आप यूज कर सकते हो, है ना, बहुत ही अच्छी टिप्स। तो आप लोग को मेरी टिप्स कैसी लगी आप लोग वीडियो में जरूर बताना। तो फ्रेंड आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टिप्स एंड हैक्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू, सभी को राम राम।